2018 से बंद है, 5-6 महीने हो गया, उसको जज के सामने ही नहीं करते, तो इतना तंग हो गया, हम बोलते खुदकुशी करूं या बच्चों को मारूं, क्या करूं। घर के गली से उठाया, फिर पुलिस मुकाबला कैसे हो सकता। हम गरीब इंसान है, अभी भी किसी से 500-800 उधार लेके हम आए, मेरे पास कोई चारा नहीं है, बार बार उठाया जाता है, बार बार। एक पुलिस मुकाबला का केस डाला था एक बाइक चोरी का, मैं तो माइकर हूँ, समुंदर का काम करके आ रहा था, बोला 10-15 हज़ार, हमने बोला गरीब बंदे किधर से लाएंगे, गरीब गरीब आते हैं तारीख दे देते हैं। इस वक्त हम सिटी कोर्ट के बख्शीखाना के बाहर मौजूद हैं। यहाँ पे हर कैदी की अपनी कहानी होती है, लेकिन कैदी तो ठीक है, किसी न किसी जो जुर्म होता है उसमें उनको गिरफ्तार किया जाता है, लेकिन सबसे ज़्यादा जो ये भुगतता है वो उनके वर्सा होते हैं, जो यहाँ पे सुबह सवेरे आते हैं ताकि जो उनके प्यारों की कस्टडी होती है वो उनकी पुलिस यहाँ पर ले आती है, और उसके बाद उनकी मुलाकात के लिए वो इंतज़ार करते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे हमने ये देखा है कि अक्सर जो है वो पुलिस वर्सा से उनकी मुलाकात जो है वो नहीं करवाती। अक्सर केसेस ऐसे होते हैं जो जाली भी होते हैं, उनमें भी पुलिस मुलजमान को गिरफ़्तार कर लेती है, लेकिन उनके साथ भी जो मुलजिम होते हैं उनके साथ भी गैर इंसानी रवैया जो है वो किया जाता है। हमारे साथ एक वालिद जो है वो मौजूद हैं, उनके बेटे को 2018 से जो है वो पुलिस ने बंद किया है, 2018 से वो जेल में है, और उनका कहना है कि 2020 में उनकी ज़मानत भी हो गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया है और अभी तक वो जेल में हैं। सर, क्या कहेंगे, आपके बेटे पर क्या इल्ज़ाम था और कितने साल हो गए हैं? 2018 से बंद है सर, उसका डकैती था और पिस्तौल लगा था जी। तो अब आप यहाँ पे आए हैं, कब से यहाँ पे आ रहे हैं और क्या? सर, ये तो 2018 से आ रहा हूँ सर, और तकरीबन 5-6 महीने हो गया, उसको जज के सामने ही नहीं करते, जब भी आते हैं बोलते तारीख हो गया जाओ। तो आपके वकला वगैरह उनको कुछ नहीं कहते कि क्यों उनको पेश नहीं करते, पुलिस क्या कहती है? सर, हम कहते हैं इसका जो गवाह है पुलिस वाला वो नहीं आते, गवाह भी नहीं आते जी। तो अब कहाँ रखा हुआ है आपके बेटे को? लांडी जेल में। ये बच्चे भी यहाँ पे मौजूद हैं हमारे साथ, ये बेटे कमाने वाला है क्यों सर? हाँ, क्यों वकील करूँ और या बच्चों को पालूँ, क्या करूँ? अब जो गवाह है वो अदालत कहते हैं भाई तू गवाह को बुला, तो ये तो अदालत का काम है ना गवाह को बुलाना, हम तो नहीं बुला सकते। आप क्या अपील करेंगे, क्या चाहते हैं पुलिस से या जो हायर अथॉरिटीज़ हैं? सर, हम यही कहते हैं कि केस चलाओ, हमारे बेटे को बरी कर देना। आपको लगता है जो उस पर इल्ज़ाम लगाया गया है उसमें क्या कोई हकीकत है? सर, कुछ भी हकीकत नहीं है, पुलिस का गवाह है, एक प्राइवेट गवाह था, वो भी पुलिस का मुखबर था, उसका अपना ही बंदा था पुलिस का, वो गवाह बनाया था प्राइवेट। तो अब आपके बेटे की एज क्या थी और वो क्या करता था घर में, और कितने बंदे हैं आपके? मेरे 6 लड़के, 3 छोटे 3 बड़े सर, 3 बेटी है। कमाने वाला वही था सर? कमाने वाला मैं हूँ, एक लड़का और है बस, 2 बंदे। तो कैसे गुजर सफर हो रहा है, क्योंकि आपके कमाने वाला 5 साल से? हम तो इतना तंग हो गया, हम बोलते खुदकुशी करूँ या बच्चों को मारूँ, क्या करूँ, इतना महंगाई है। आप क्या काम करते? मैं गाड़ी चलाता हूँ सर, 22,000 तनख्वाह है। तो कोर्ट के खर्चे भी ज़्यादा होते हैं, कैसे बर्दाश्त करते हैं? सर, अभी भी 2,000 उधार लेके आया हूँ। एक अम्मा भी हमारे साथ बैठी हुई है, अम्मा आप क्या कहेंगी, किस लिए आप यहाँ पे आएंगी? हम यहाँ मेरे बेटे की पेशी है इसलिए आए हुए हैं, मेरा बेटा बेगुनाह बेकसूर घर से उठाया गया, मतलब हमारे घर की गली से, फिर बोला उसने तो कैसे ये बनाया पुलिस मुकाबला, समझे, फिर उसकी ज़मानत एक करवाई तो वापस बोला अभी वो ज़मानत हुई नहीं हुई है, एक केस और है, फिर दूसरे की ज़मानत करवाई, 2 केस लगाए, घर की गली से उठा गए, फिर पुलिस मुकाबला कैसे हुआ? जब घर के गली से उठाया, फिर पुलिस मुकाबला कैसे हो सकता। हम गरीब इंसान हैं, अभी भी किसी से 500-800 उधार लेके हम आए, इतने पैसे सारे सब लेते हैं पुलिस वालों ने लिया, छोटी के लिए पैसे रखे पहले 50,000 फिर 30,000, वकील अलग से ले रहे हैं, रोज़ किराया खर्चा महंगाई हो रही है, मैं कमाने वाला मेरा बेटा ये है कि मैं खुद घरों में काम करती हूँ, मेरे पास कोई चारा नहीं है, बार बार उठाया जाता है, बार बार बेकसूर बेगुनाह बार बार उठाया जाता है। 1 साल पहले उठाया गया, फिर भी जेल में गया, कोर्ट में आया, जेल में गया, थाने वालों ने उठाया, फिर 50,000 थाने वालों ने ली हमसे, उसने बोला हम छोड़ देंगे ऐसे ही आपको दे देंगे, नहीं
उन्होंने कोर्ट भिजवाया, फिर उसको जेल करवाया, फिर जमानत करवाई उससे, फिर एक साल केस चला, वकील ने अलग से पैसे लिए, पुलिस वालों ने अलग से लिए खर्चा, अब हम गरीब कहाँ से लाए। इसमें एक मुलजिम भी अभी हमारे साथ मौजूद है जो 2 महीने जो है वो जेल लेकर आया है, उसकी जमानत हो गई है, अभी भी वो अपनी वालदा के साथ सिटी कोर्ट में मौजूद है, पेशी पर आया हुआ है। मजीद उनकी ज़ुबान ये कहानी सुनते हैं। ये बता दें कि आप पर केस क्या था और कैसे उठाया गया था? एक पुलिस मुकाबला का केस डाला था, एक बाइक चोरी का। मैं तो माइकर हूँ, समुंदर का काम करके आ रहा था, चौपर भी आदमी था, मछली वछली सारी लेके आ रहा था। ऐसे उठाया, जेब में से 200-300 रुपये निकला, लेके गए, बोला हम घर वालों को, बोला घर वालों को, बोला हमारा खर्चा पानी करवा, बोला 10-15 हज़ार। हमने बोला गरीब बंदे किधर लाएंगे, और हमारे को उधर थाने में मारा, 4 दिन उधर रखा, गार्डन वालों ने दिया 3 तलवार वालों को, 3 तलवार वालों ने वापसी इधर आया, 3 दिन का रुमाल लेके वापसी गार्डन वालों ने रखा, वापसी उधर हमारे जेल किया, जेल पर जमानत में आया हूँ, वापसी कोरट का चकला है सारा, इधर कोरट भी आते हैं, वापसी मुल्क के तारीख देते, हर गरी आते हैं, तारीख दे देते हैं, हमारे केस का तो कुछ करते ही नहीं है। ऐसे वकील भी आता है, बोलता है अगली तारीख भी आ जाना, कुछ ना कुछ हो जाएगा। 1 लाख रुपये हमने जमानत भी रखा, अभी पता नहीं क्या होएगा, कभी कभी केस खत्म होएगा हमारे पर। अच्छा, तो जेल में ये वक्त कैसा गुजरा आपका, और अदालतों के चक्कर भी आपने काटे, पहले कभी यहाँ पे आए नहीं होंगे? कभी यहाँ पे नहीं आए, ऐसे ही हम लोग बेकसूर इधर आ गए, गवर्नमेंट ने हमारे पे केस डाला हुआ है। तो क्या कहेंगे, क्या हाई अथॉरिटी से क्या अपील करेंगे आप? हम बोलेंगे हमारे गरीब बंदे हुए, अभी क्या करते हैं ये लोग, ऐसे ही गवर्नमेंट लेके आते हैं हमारे, वैसे उठा के लेके जाते हैं, बेकसूर हम लोग माइगर बंदे, हम लोग मच्छी का काम करते हैं। बिल्कुल, इनकी भी कहानी आपने सुनी होगी, इनका भी यही कहना है कि मुझ पर जो है वो झूठा इल्ज़ाम लगाया गया था और 2 महीने से धक्के खा रहा हूँ, पहले जेल भेजा गया, अब जमानत जब हुई है तब भी जो है कोर्ट की पेशियाँ जो है वो मैं भुगत रहा हूँ। इनका यही मुतालबा है कि फ्री एंड ट्रायल जो है वो किया जाए, ट्रायल में अगर कुछ साबित होता है तो वो अलग बात है, लेकिन कम से कम ट्रायल तो किया जाए ताकि इंसाफ तो हमें फराम हो, रोज़ाना के जो खर्चे हैं, जो अखराज आते हैं, वो हमसे बर्दाश्त नहीं हो रहे।